सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइज, आज मैं जो ड्रॉ करूँगी जो कि सॉफ्ट पेस्टल से ही ड्रॉ करने वाले हैं, बट मैंने जितना भी इतना ड्रॉ किया है उतनी क्लिप मेरे से डिलीट हो चुकी है। द नेक्स्ट डे सो गाइज, अभी मैं ब्लू कलर से ऐसे इसमें यहाँ पे एक यहाँ पे हमें ट्री बनाना है, तो इसके लिए मैंने ऐसे ब्लू कलर को किया है, मतलब कि डार्क वाला ब्लू है, और ऐसे इधर वाइट कलर से हम ऐसे रखेंगे जिससे कि रिफ्लेक्शन हो ऐसा दिखे, और इसको भी ऐसे अच्छे से मर्ज कर देंगे। और वाटर में मैंने ब्लू कलर भी किया है जिससे कि अट्रैक्टिव दिखे, और उसके बाद ऐसे इसको सिंपली मर्ज कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर से ड्रॉ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने मून भी बना लिया है, और अब यहाँ पे क्लाउड भी बनाने हैं जो कि हम लास्ट में बनाएंगे। और यहाँ पे बेटा मैं नॉर्मल वाले जो ट्री आते हैं वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको मैंने कुछ ऐसे टाइप किया है। और यहाँ पे हमें एक बड़ा ट्री बनाना है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, और उसको भी सिंपली ऐसे ही फिंगर से ही ब्लेंड करेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब हमें वाइट कलर से इसमें डॉट करने हैं। जिसके लिए मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया है, और अब हमें ऐसे ही हमें डॉट करना है। तो मैंने कुछ ऐसे भी डॉट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चारकोल, मतलब कि उनकी नॉर्मल वाली पेंसिल होती है, उसमें मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर भी कर दिया है, और साइड में मैंने ब्राउन कलर, और लास्ट में मैंने वाइट कलर कर दिया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस टाइप मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया है जिससे कि अट्रैक्टिव दिखे, और इसको भी सिंपली ऐसे ही मर्ज करना है हमें। तो अब लास्ट में हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ऐसे दिख रहा है। इसके सिनेमैटिक सीन्स आपको लास्ट में दिखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये मैंने ड्राइंग की है उसमें आपको समझ आया होगा, और आप भी ऐसे ड्रॉ कर पाए।